मैं सच्ची में सोच रही थी नेपट्यून अभी भी गायब है और शायद उसके मून्स भी। Come on! उन्हें ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं होगा। मैंने सुना है कि वो बहुत बहुत ही छोटे हैं। रुको, कहीं यही तो उसके मून्स नहीं। सच में तुम्हें एस्ट्रॉइड और मून्स में फर्क नहीं पता? देखो मैं फोबोस और डेमोस के कारण काफी कंफ्यूज हो गया हूँ। ये फोबोस और डेमोस कौन है? नेपट्यून, मुझे लगा तुम फिर से गायब हो गए। हाँ, अब तो गायब होने की आदत सी हो गई है मुझे, कभी इधर चला तो कभी उधर। अच्छा देखो, हम किसी प्लैनेट से बात नहीं करना चाहते तो। तुम कौन हो? कोई नए ड्वार्फ प्लैनेट्स हो क्या, या फिर किसी और सोलर सिस्टम से आए घुसपैठिए? हम मून्स हैं और दूसरे मून्स की तलाश में निकले। एक सेकंड, मेरे भी मून्स हैं, बल्कि मैं भी उन्हें ढूंढ रहा हूँ। बढ़िया, तो चलो साथ में ढूंढते हैं। किसको ढूंढना है? क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए या नहीं? चलो, नेपट्यून प्यारा है। वो एक प्लैनेट है, हम उनके खिलाफ एक क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं। और देखो, कोई भी प्लैनेट हमारा दोस्त तो नहीं हो सकता है। आयो, वो क्या था? ये पक्का कोई मून ही होगा। चलो ठीक है। क्या तुम फिर से स्लिंगशॉट ले सकते हो? नहीं, सामने से बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स आ रहे हैं। रुक जाओ, तुम्हें हमसे कोई खतरा नहीं है। सॉरी, पता नहीं था तुम रास्ते में हो। तुम्हें तो मैं मजा चखाऊंगा। शांत रहो आयो, कहीं तुम नेपच्यून के मून्स में से तो एक नहीं हो? बिल्कुल सही पहचाना, मैं हूँ ट्राइटन। बताओ यहाँ क्यों आए हो? ट्राइटन, अच्छा, वेल, हम यहाँ एक मकसद से आए हैं। हम मून से क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं और हमें तुम्हारा साथ चाहिए। मून की क्रांति, वाव, मुझे ये सब में नहीं पढ़ना है। कम ऑन, हम साथ में मिलकर बदलाव ला सकते हैं। रहने दो। अच्छा बताओ, तुम जिस भी प्लैनेट से आए हो उसने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया? वो बस बड़बड़ाता रहता है और उसे हमारे नाम भी याद नहीं रहते। वो हमें ऐसे ट्रीट करता है जैसे बच्चों की तरह। वो तुम्हें उन बच्चों की तरह ट्रीट करता है जो बात बात पर रोना शुरू कर देते हैं। सही कह रहा हूँ ना? खैर, तुम्हारा प्लैनेट तो गायब ही रहता है, तो तुम क्या ही जानो। देखो, तुम लोगों को जो करना है तुम लोग कर सकते हो, मुझे ये सब झमेले में नहीं पड़ना है। तो नेपच्यून्स के बाकी के मून्स का क्या? हाँ? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इन क्रांतिकारी विचारों का उन पर कुछ असर होगा। शायद असर हो जाए। ठीक है, बाद में मत कहना मैंने वार्निंग नहीं दी थी। ये है नेपच्यून के मून्स? हाँ, प्रोटियस, नेरियड, लैरिसा, गलेटिया और भी हैं। नेपच्यून के काफी मून्स हैं। लेकिन ये छोटे हैं। खैर, क्रांतिकारियों की संख्या मायने रखती है, उनका आकार नहीं, है ना? चलो अब एक अच्छा सा भाषण दो, इनमें भी क्रांति की चिंगारी जला दो। ट्राइटन, देखो ट्राइटन वापस आ गया। हमारे लिए कोई खबर लाए हो क्या? तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे जाने के बाद मैंने सबका अच्छे से ख्याल रखा, देखो सब कितने खुश हैं। कलाती सही कह रही है, हमने इसे तंग नहीं किया। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। छोटे मून्स, क्रांति का समय आ गया। हम अपनी राइट्स के लिए प्लैनेट्स के खिलाफ क्रांति शुरू कर रहे हैं। तुम क्या उसमें साथ दोगे? राइट क्या होता है? लेफ्ट का ऑपोजिट राइट, पागल। क्या ट्राइटन भी इसका हिस्सा होगा? हाँ, उसके बिना मजा नहीं आएगा। नहीं, पर हाँ, हम इसका हिस्सा हैं। कैलिस्टो, बचाओ! तुम्हारी सतह पर अजीब सा क्या है? अरे नहीं, ये तो वोल्केनोज है, जब ये एक्टिवेट होंगे तो और मजा आएगा। कैलिस्टो बचाओ! थोड़ा हौसला रख लो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, सुनो, नाटक बंद करो। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तुम कोई मून नहीं हो, जुपिटर ने हमें सब बता दिया। ट्राइटन एक बेचारा ड्वार्फ प्लैनेट जिसे नेपच्यून की ग्रेविटी ने खींच लिया था, तभी तो तुम उल्टी दिशा में ऑर्बिट करते हो और इसी कारण तुम अपने साथी मून से इतने बड़े हो। हे, थोड़ा धीरे बोलो प्लीज, उन्हें ये सब पता नहीं है।
तो इसीलिए तुम हमारे साथ शामिल नहीं होना चाहते, क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि तुम भी एक प्लैनेट ही हो। देखो, मैंने तुमसे सच कहा था कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। ड्वार्फ प्लैनेट, मून्स, ये सब बस नाम है। हम बस ऑब्जेक्ट्स हैं जो बड़े ऑब्जेक्ट्स को ऑर्बिट कर रहे हैं, और वो अपनों से बड़े ऑब्जेक्ट्स को ऑर्बिट। हाँ, समझ गई, लेकिन हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। सभी क्रांतिकारियों के इरादे बहुत नेक ही होते हैं, पर या तो वो नाकाम होते हैं या अपने मकसद से भटक जाते हैं। तुम कैसे कह सकती हो कि जीत तुम्हारी ही होगी? चलो, मैं ये मान लेता हूँ कि तुम थोड़ी अलग हो, लेकिन मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मैं अपनी राह खुद चुनना चाहता हूँ, जहाँ मुझे किसी से कोई लगाव ना हो। अपने साथी मून्स की तरह, उन्हें तो तुमसे बहुत लगाव है ट्राइटन। मुझे पता नहीं क्यों, मैं उनके जैसा नहीं हूँ। शायद उन्हें मेरी सच्चाई नहीं पता। हमें ज्वाइन कर लो ना, तुम जब चाहो जा सकते हो, लेकिन ऐसा करने से तुम मून्स की क्रांति के ग्रुप का हिस्सा तो होगे। कैलिस्टो, अब कीना तुमने कोई पते की बात। मेरे शामिल होने के बिना भी मैं बाकी मून्स को तुम्हारा साथ देने के लिए कह सकता। क्या सच में? अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। ठीक है मून्स, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने मून्स की क्रांति के इन लीडर्स से बात की, और देखा जाए तो इनकी बात में दम है। मैं इनसे सहमत हूँ। तो मून्स की इस क्रांति में मेरा साथ कौन देना चाहता है, बताओ? आखिरकार तुम मिल ही गए। अरे नहीं। हाय नेपट्यून। तुम वापस आ गए। हाँ मैं आ गया। एक सेकंड, मैं कहीं गया था क्या? नेपट्यून, आप काफी समय से गायब थे। चीजें काफी बदल गई हैं। अरे बदलाव तो सृष्टि का नियम है ना? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। छोड़ो, मुझे ऑर्बिट करना चाहोगे? याद है हम कितनी मस्ती किया करते थे? चलो नेपट्यून को ऑर्बिट करते हैं। नहीं नेपट्यून, अब हम ये नहीं करेंगे। हम मून्स की क्रांति का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और तुम हमें नहीं रोक सकते। अब हम खुद की मर्जी से जीना चाहते हैं। खैर, सुनकर अच्छा लगा कि तुम सब साथ हो और नए दोस्त बना रहे हो। जाओ अपनी इस क्रांति का मजा लो। बाय ट्राइटन एंड प्रोटियस मैरियट लैरिसा गलेटिया नेसो समाते लाओमेडिया सावहेरिमेंट एस्पिना थलासा नियाट और स्लैश 2004N1। मिलते हैं। ओहो, उसे सबके नाम पता है। हाँ, वो कभी महान कभी नादान है। चलो मून्स, हमें एस्ट्रॉइड बेल्ट तक पहुँचने में टाइम लगेगा। हमारे पेट्रियन सपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पेट्रियन सपोर्टर नहीं हैं, तो आप भी हमारी शानदार टीम का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल हमारे पेट्रियन पर बहुत ही शानदार कंटेंट अवेलेबल है, जो सिर्फ हमारे मेंबर्स देख सकते हैं। हम वादा करते हैं कि आप निराश नहीं होंगे। जल्द ही मिलते हैं।